सबके सामने प्रेजेंट किया। आजकल बच्चे सोशल मीडिया इस कदर यूज़ करने लग गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को स्नैपचैट का पता है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज का पता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल का पता है, फेसबुक पर पोस्ट करना पता है, सारी चीज़ें बच्चों को पता है। और इसका असर ये हो रहा है बच्चों पर कि बच्चों की जो अटेंशन और फोकस की कैपेसिटी है वो कम होती चली जा रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चेज हुई हैं और उन रिसर्चेज में बताया गया कि जो सोशल मीडिया का एक्सेस यूज़ कर रहे हैं उनकी अटेंशन कैपेबिलिटी कम होती चली जा रही है, अटेंशन कैपेबिलिटी कम हो रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, माइंड एक जगह रुक नहीं रहा है। तो बच्चों के साथ ये हम ही लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको हम सोशल मीडिया से दूर रखें। कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर बच्चा रो रहता है मोबाइल दे देते हैं कि डोरेमोन देख लो, मोटू पतलू देख लो, इंस्टाग्राम की रील्स फिर धीरे धीरे बच्चा स्क्रॉल करने लगता है, व्हाट्सएप की वीडियोस देखने लगता है, स्टेटस देखने लगता है, फेसबुक देखने लगता है। कहीं ना कहीं हम ही लोग इस बारे में जिम्मेदार हैं। और सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। होता क्या है कि कोई एक सही बंदा अपने हाथ पर प्लास्टर चढ़ा लेगा, फेक प्लास्टर, और फिर रास्ते में जाके खड़ा हो जाएगा, उसकी शू के लेस खुली होंगी, फिर वहाँ पर दूसरे बंदे आएंगे उनकी शू की लेस बांधेंगे और फिर इसी तरह से गिर जाएंगे, बीमारी का एक्ट करेंगे और फिर लोग दौड़ कर आएंगे कि देखे भाई इस बंदे को क्या हो गया। जब सभी लोग आते हैं फिर बताते हैं कि वो देखिए वहाँ सामने कैमरा लगा हुआ है, हम लोग शूट कर रहे थे। शायद इन लोगों को भेड़िए और उस गडेरिए की कहानी नहीं पता। हम सभी ने वो भेड़िए और गडेरिए की कहानी पढ़ रखी है कि वो चिल्लाता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, गांव वाले आते थे बचाने, लेकिन फिर वहां पे भेड़िया नहीं होता था, वो बच्चा मजाक किया करता था। फिर एक दिन असलियत में भेड़िया आ गया और उस वक्त फिर कोई नहीं आया उसको बचाने, ये सोचकर कि आज भी ये मजाक ही कर रहा होगा, आज भी ये झूठी बोल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस कहानी को भूल चुके हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम सभी ने उस कहानी को पढ़ रखा है, लेकिन पढ़ने के बाद भी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी टीचिंग्स को, अपनी लर्निंग्स को भूल रहे हैं और इसका इफेक्ट हम लोगों के बच्चों पर पड़ रहा है। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है जितने भी पेरेंट्स हैं कि उनका मोबाइल यूज़, उनका स्क्रीन टाइम कम कराएं, और अगर स्क्रीन टाइम कम कराया जाएगा तो इस तरह ड्रामा में बताया मैम ने कि जो वक्त ड्रामा में लग रहा है वही वक्त अगर पढ़ाई में लगा देंगे तो बच्चों का एक्सकलेशन अपलिफ्टमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर किसी पेरेंट्स को ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे बच्चे के मार्क्स कम नहीं क्यों आ रहे हैं, मेरा बच्चा पढ़ता तो है मोबाइल पर पढ़ता है। तो प्लीज़ एक बार फिर एज अ टीचर मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी अपने बच्चों को मोबाइल कम से कम दें या ना के बराबर ही दें। बहुत शुक्रिया।